हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। बच्चों, मैं प्रज्वल सिंह आपका टॉप 10 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम आपका क्लास 10th का चैप्टर 1st, जो कि रासायनिक अभिक्रिया और बच्चों समीकरण है, उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर हम आए हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? तो सबसे पहले जब भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो बच्चों, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, इसका आंसर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रश्नोत्तर नंबर 1। मतलब पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लिख रहे हैं। तो क्या बच्चों रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों होती क्या है, आपने देखा होगा कि जब आप ठीक है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, आपने देखा होगा जब आप किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? धुआं निकलता है ना बच्चों, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से? कि जो भी पदार्थ होते हैं बच्चों, जनरली सभी पदार्थों में आपका कार्बन पाया जाता है, और कार्बन जब किसी पदार्थ को हम जलाते हैं तो कार्बन से अभिक्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो कार्बन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पे कार्बन की अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। तो यहाँ पर हम कार्बन के लिए बच्चों क्या लिखते हैं? कार्बन के लिए ब्रैकेट लिखते हैं आपका यस। और बच्चों ऑक्सीजन की अवस्था क्या होती है? गैस होती है, तो इसके लिखते बच्चों हम क्या लिखते हैं? जी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके लिए क्या लिखते बच्चों? जी लिखते हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये इनके फिजिकल स्टेट बता रहे हैं बच्चों, भौतिक अवस्था बता रहे हैं। अब इसको हम बताएंगे कैसे? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अभिक्रिया तो कम से कम बच्चों दो पदार्थ में होगी ही, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें बच्चों, तो अगर आपस में क्रिया करेंगे तो कोई उत्पाद बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या निकला? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है बच्चों? समीकरण। अब बच्चों समीकरण क्या है? जैसे कि हमने कहा कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो बच्चों अब इसको अगर लिखना होगा तो किसी प्रकार से लिखेंगे, कोई तो मेथड होगा। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के लिए हम समीकरण लिखते हैं, और जिस समीकरण से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या निकल के आया? रासायनिक समीकरण क्या बच्चों? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने की एक क्या है? विधि है। या आप क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है। तो आओ बच्चों हम दोनों को लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है बच्चों? केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे रासायनिक
तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा बच्चों, किससे? ऑक्सीजन से। और क्या बनाएगा बच्चों आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये क्या बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब बच्चों आपके सामने लोग पूछेंगे या आपके एग्जाम में आ सकता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होते हैं? तो अभिकारक मतलब क्या होता है? अभिधन कारक, अभिक्रिया को करने वाले, मतलब जो अभिक्रियाओं को करते हैं, जिनके बीच अभिक्रिया होती है, वही क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक कहलाते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो जो पदार्थ हमें मिलते हैं उससे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो क्या निकल के आया? तो किसके बीच अभिक्रिया हो रही? इनके बीच। तो इन्हें हम क्या कहें बच्चों? अभिकारक कहेंगे। क्या बना रहे हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो अभिकारक क्या बच्चों? अभिकारक। वह पदार्थ जिनके बीच क्या बच्चों? वह पदार्थ जिनके बीच अभिक्रिया होती है, जिनके बीच अभिक्रिया होती है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें अभिकारक कहते हैं। और बच्चों उत्पाद क्या है? तो अभिक्रिया होने के बाद बच्चों जो पदार्थ बने उन्हें हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। तो मतलब प्रोडक्ट क्या होता है? अभिक्रिया अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है बच्चों? तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जिससे हम लिखते हैं, जिस समीकरण से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या बच्चों? रासायनिक समीकरण, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। और इसको बच्चों आप पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बच्चों आपका डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बच्चों? तो एमजी प्लस ओटो मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अब बच्चों इसको हम संतुलित कैसे करेंगे, इसके विषय में आओ हम देखें।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको तीन स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप, रासायनिक अभिक्रिया को छोटे कोष्ठक में लिख लीजिए। दूसरा, सारणी बनाइए। तीसरा, असंतुलित तत्वों को संतुलित कीजिए। बस तो आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 2। संतुलित इसी करना है, Mg प्लस O2 क्या बना रहे बच्चों आपका, MgO। तो संतुलित करने के लिए बच्चों आपको तीन स्टेप बताए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कोष्ठक है बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, सारणी है। और थर्ड स्टेप बच्चों क्या है आपका, असंतुलित असंतुलित तत्वों का संतुलन है। तो ये बच्चों तीन स्टेप हैं बस। तो आ जाइए बच्चों, तो सबसे पहले इसे हम कोष्ठक में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले Mg प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है, MgO। तो इसकी इसमें लिख लिए कोष्ठक। दूसरा बच्चों, सारणी बनाएंगे। सारणी, तो बच्चों सारणी में आपको कुछ बातें लिखनी, सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा था तत्व का नाम, तीसरा बच्चों अभिकारक में संख्या, अभिकारक में संख्या, और चौथा बच्चों क्या है, उत्पादन संख्या। तो इतनी बातें तो आपको बच्चों लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों अब देखिए यहां पर कितने तत्व हैं, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम है और बच्चों क्या आपका, ऑक्सीजन है। तो लिख लीजिए तत्व बच्चों, दो थे इसलिए क्रम संख्या 2 लिखे, 1 लिखा और 2 लिखा। तो Mg हो गया बच्चों, और क्या है, ऑक्सीजन। तो अभिकारक में कितने Mg, 1 है बच्चों, तो 1 लिखिए। ऑक्सीजन 2 है, 2 लिखिए। और उत्पाद में बच्चों मैग्नीशियम 1 है, ये भी क्या आपका, 1 है। तो ये बच्चों आपकी सारणी हो गई। तो सारणी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अगला भी स्टेप आ जाए इसी में। अगला बच्चों क्या है, संतुलन है। थर्ड पे क्या बच्चों आपका, तत्वों का संतुलन है। अब कौन सा तत्व है असंतुलित दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन 2 यहां पर 1, तो ये तो असंतुलित है बच्चों। तो थर्ड स्टेप क्या बच्चों आपका, तत्वों का संतुलन है। तो किसका संतुलन करेंगे, ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट स्टेप बच्चों, ऑक्सीजन मतलब ओ का संतुलन कैसे करें बच्चों, यहां पर देखिए सबसे पहले आपको जो इक्वेशन है लिख लीजिए, Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन दैट MgO। तो बच्चों बताइए यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 1 है, 2 है यहां पर 1। अगर आपको उत्पाद साइड ऑक्सीजन 2 करना तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई। तत्वों का संतुलन बच्चों उचित गुणांक लगाकर करते, ये जानते रहिएगा, उचित गुणांक के द्वारा बच्चों करते हैं, ठीक ना। तो यहां पर 2 सबने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम 2 हो गया। तो बच्चों अगला स्टेप हम लेंगे आपका
मैग्नीशियम का संतुलन, मैग्नीशियम का संतुलन। तो मैग्नीशियम का संतुलन कैसे करेंगे बच्चों? देखिए आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एम जी प्लस ओ टू, और रिएक्शन हो रही है बच्चों क्या, और आपका एम जी हो रही है। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, अब मैग्नीशियम भी दो है, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, मैग्नीशियम एक है, तो दो का मल्टीप्लाई। तो बस बच्चों अब ये समीकरण बच्चों आपको क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये समीकरण क्या बच्चों, संतुलित है। लास्ट में आप लिखे देंगे क्या आता है, समीकरण संतुलित है। बस बच्चों ये आपको इतनी बातें लिखनी है। जो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। जब आपके अभिकारक जुड़े तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन क्रिया कहेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया, तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर, क्या बच्चों, आपस में जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया, तो बच्चों से हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया क्या है, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाए, वही क्या आपकी संयोजन अभिक्रिया। अभी आपने पढ़ा एग्जांपल, एग्जांपल बच्चों क्या पढ़ा, सी प्लस ओ टू आफ्टर रिएक्शन दैट क्या बनाएंगे बच्चों, CO2 बनाएंगे। तो ये क्या बच्चों, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा और क्या बना दिया, CO2 बनाते थे, क्या संयोजन अभिक्रिया है। अगली बच्चों क्या आपकी विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी अगर ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा, ज़्यादा एक्टिव समूह होगा, तो कम एक्टिव कम क्रियाशील को उसके यौगिक से क्या करेगा, हटा देगा। तो यही क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील तत्व या बच्चों समूह कम क्रियाशील तत्व या बच्चों क्या कहते हैं, समूह को उसके यौगिक से हटा देता है, हटा देता है मतलब बच्चों विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बच्चों आप जानते रहिए। और अगला बच्चों है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले
उसे कहेंगे उष्माक्षेपी। अवशोषी मतलब होता है अवशोषित होना, तो वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या हो लगे, अवशोषित हो, तो उसे क्या कहेंगे, उष्मा शोषी। तो आ जाइए बच्चों, इसे भी हम जान लेते हैं। उष्माक्षेपी उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्मा मतलब उष्माक्षेपी मतलब निकलना, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, जिसमें उष्मा निकलती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया, उसे बच्चों क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों क्या बनाता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसमें बच्चों जो उष्मा निर्मुक्त होती है वो लगभग 94 किलो कैलोरी निकलती है बच्चों। तो ये क्या बच्चों, प्लस का मतलब है जब भी उत्पाद के साथ प्लस का साइन लगा हो और उष्मा दी गई हो तो समझ जाइए बच्चों उष्मा आपकी निकल रही है। तो ये क्या बच्चों, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब बात करेंगे उष्मा शोषी क्या है, जिसमें उष्मा क्या होता है बच्चों, अवशोषित होती है, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या लिखें बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा लगती है मतलब अवशोषित होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, उसे बच्चों उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों NO बनाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो जैसे N2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बच्चों क्या बनाता है आपका, 2NO बनाएगा, और इसमें लगभग 45 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है बच्चों, लग जाती है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई बच्चों। अब आपका हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स देखिए, हमने बच्चों लिखा आपका रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स बच्चों कैसे लिखेंगे, REDOX। तो रेड से बच्चों क्या आ गया, रिडक्शन मतलब बच्चों अपचयन, और OX से क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब बच्चों ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब लिख रहा बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और क्या बच्चों अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आ जाइए बच्चों क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होती है तो
उसे रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स या बच्चों इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये तो आपका हो गया रिडॉक्स अपचयन। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो आपने पढ़ रखा विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बच्चों ये होती क्या है, आओ हम जाने। जैसे कि हमने बच्चों लिया आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें बच्चों हमने आयरन की क्या डाली, एक छड़ डाल दी। तो क्या होगा बच्चों, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो इस कॉपर को क्या करें बच्चों, इसके विलयन से हटा देगा और इसके विलयन से हटाएगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और प्लस बच्चों क्या हो गया आपका, कॉपर। तो यहाँ पर बच्चों आप बताइए ये बच्चों आपका एक्वस होगा या आप एक क्यू लिखिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, एक क्यू है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, तो अगर हम देखें कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बच्चों क्या है, प्लस टू है बच्चों। और यहाँ पर कॉपर क्या है, मुक्त अवस्था में बच्चों, तो क्या है, जीरो है। और यहाँ पर आयरन का देखेंगे बच्चों तो जीरो है, यहाँ पर क्या है, टू है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए दो से हम जीरो में जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है और जब घटेगी तो उसे कहेंगे क्या बच्चों, अपचयन। क्या कहें बच्चों, अपचयन। और ऑक्सीकरण अवस्था यदि बढ़ेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। आप बताइए क्या इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया दोनों हो रही है। हाँ, अगर ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया दोनों हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इतनी बातें आई संबंध में। अब आपका आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, जो आपका संक्षारण क्या है बच्चों। तो आपने देखा होगा जैसे लोहे की छड़ को, तो लोहे की छड़ अगर बच्चों आपने खुला छोड़ दिया या तो आप कहीं नमी में रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं बच्चों उस पे भूरा भूरा टाइप का कुछ लग सा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षरण कहते हैं। और कहने का मतलब जो आपकी धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे उनका क्या होता है बच्चों, क्षरण होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो कहने का क्या मतलब निकला, संक्षारण। तो क्या बच्चों, संक्षारण धातुओं का नमी या ऑक्सीजन, धातुओं का नमी या ऑक्सीजन के कारण धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे क्षय होना। क्या बच्चों, धातुओं का नमी या ऑक्सीजन के कारण धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे बच्चों, जैसे लोहे में जंग लगना, तो ये सब बच्चों क्या है, आपकी संक्षारण प्रक्रिया है। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आज ही आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में बच्चों नंबर गिवेन है उसकी सहायता से आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।